साल 2020 में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण कई परिवारों ने अपनों को खो दिया तो कई लोगों के घर उजड़ गए। लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई, जिससे कई कंपनियां बंद हो गई। वहीं सैकड़ों लोग नौकरी से निकाले गए। ये लोग आज दो वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे ही एक हाई प्रोफाइल बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी बताएंगे, जो पहले अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। उसके बाद जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि आज वे अर्श से फर्श पर आ गए हैं। बुजुर्ग अब फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। ये उसके पहले मैं जॉब करता था, प्राइवेट जॉब। जितने भी मैंने जॉब किए सारे साथ प्राइवेट थे, लेकिन किए सब अकाउंट्स लाइन में। उसके बाद क्या हुआ, मैं नागपुर आ गया। नागपुर आ रहा था, काम कर रहा था, इतने में ये लॉकडाउन लग गया। नागपुर स्टेशन पे आ गए, इधर की ट्रेन इधर बंद, इधर की ट्रेन इधर बंद, कहीं नहीं जा सकते थे। पुलिस का पहरा, पानी लेने के लिए भी स्टेशन में नहीं जाने दे रहे थे। तो जो स्टेशन की कैंपस है उसके बाहर और भी लोग पड़े हुए थे मजदूर टाइप के, वहाँ रहे सर। 30-40 मजदूरों को महाराष्ट्र की गाड़ी से दो पुलिस वालों के साथ में MP के लिए मतलब भेजा गया। उस समय मेरी मेंटेलिटी में ग्वालियर है, बहुत बड़ा शहर है, कुछ ना कुछ करके खा लेंगे, ठीक है सर। यहाँ हालात और ज़्यादा ख़राब। मई के बाद रोड कहीं हो, यहीं पर, यहाँ से कहीं भी नहीं गया। लेकिन महाराष्ट्र में आने से पहले मैं बेंगलोर में था, बेंगलोर से पहले सिंगापुर में था। 55 वर्षीय विनायक मिश्रा जाने माने अकाउंटेंट हैं। वे बैंगलोर की एक कंपनी में अकाउंट सेक्शन संभालते थे। वे सिंगापुर से लेकर मुंबई में काम किया है। साल 2020 में लॉकडाउन में कंपनी घाटे में चली गई और कंपनी बंद हो गई। सभी कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया गया, जिसमें एक कर्मचारी के रूप में विनायक मिश्रा भी थे। विनायक मिश्रा मुंबई रेलवे स्टेशन पर भिखारियों के साथ रहने लगे। लॉकडाउन में मजदूरों को घर भेजने के दौरान विनायक ग्वालियर आ गए। पिछले 10 महीनों से विनायक शहर के फुटपाथ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में इस समय कोई नहीं है, बीवी और बच्चे थे। 2001 में बच्चा एक्सपायर हो गया 18 साल का, 2004 में उसकी माँ एक्सपायर हो गई, 9 में मेरा ये पैर जो है पोलियो से अफेक्टेड हो गया और कमजोर हो गया। जॉब वॉब कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करके खाता रहा। भूख गए साहब, आधार कार्ड वोटर कार्ड बनाने तक के लिए जो है चक्कर लगाए, जेब में किराया नहीं है, पैदल जाते थे, आप लोगों की बदौलत जाते थे किसी की लिफ्ट मांग के, मगर कोऑपरेशन नाम की चीज़ नहीं। जब वो लोग जिनको बनाने का मतलब सीट पर बैठे हुए हैं उनको राइट्स दिए गए हैं, लेकिन मैंने वहाँ जाके देखा कि आप परेशान होते रहिए, कुछ नहीं। बुजुर्ग विनायक को राहगीर मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। कोई उन्हें खाना देता है तो कोई उन्हें चाय बिस्किट दे जाता है, इसी से अपना काम चला रहे हैं। प्रशासन से भी कई बार मदद मांगी, लेकिन आज तक विनायक मिश्रा की मदद के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। वहीं उन्हें सरकारी सिस्टम पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। ग्वालियर से अनिल गौर, ETV भारत, मध्य प्रदेश।